स्वागत है आप सबका। सफर को जारी रखते हुए हम पहुंच चुके हैं तोता घाटी जो पड़ता है पीर गढ़वाल में उत्तराखंड में। अभी हम जहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस आए थे मुझे आप सबके कि आप लोगों को यहाँ की वीडियो देखनी है, तो आज की वीडियो में आप सबको हमने जब 2018 में ट्रैवलिंग करी थी उस टाइम से और अब यहाँ क्या चेंजेस आ गए हैं वो आपको साफ साफ देखने को मिलेगा। पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। हम लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले तो स्वागत है आप सबका। मैं यहाँ चार धाम घाटियों की वीडियो बनाते रहता हूँ, तो होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, होप आपको ये वाली वीडियो भी पसंद आएगी। शुरुआत करते हैं 2018 से। जब हमने 2018 में ट्रैवलिंग करी थी तो उस टाइम पर आप सबके लिए इस वाले रूट की वीडियो रिकॉर्ड की थी। राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे गंगा नदी के साइड बाय साइड आगे की तरफ बढ़ता है और ऊपर सगड़ी धार से जो हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ से ढलान शुरू होती है और ये जाती है तोता घाटी को क्रॉस करते हुए पौड़ियाला तक। हरी पैनी चट्टाने, ढलानी एरिया और तीव्र बैंड होने के कारण यहाँ पर हमेशा एक्सीडेंट का खतरा बना रहता था। एक्सीडेंट जोन प्रोन एरिया है दोस्तों ये, और कार्य जब चल रहा था इस प्रकार से अरेंज किया गया था कि रोड ब्लॉक भी ना हो, रोड जाम की स्थिति भी उत्पन्न ना हो और कार्य भी चल रहा हो। तो दोस्तों अब बात करते हैं 2019 और 20 की। तो हमने 2019 और 20 में ट्रैवलिंग करी थी तो कार्य ने गति पकड़ी और यात्रा शुरू होने से पहले पहले तक काफ़ी कार्य हो गया था और काफ़ी चेंजेस देखने को मिले हमें इस वाले रूट में। जगह जगह पर डंपिंग जोन्स बनाए गए और मैं आपको अभी जो वीडियो में दिखा रहा हूँ मैं शॉर्ट हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस हमको देखने को मिल रहे थे। जैसे कि अभी आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पर छोटी छोटी गुफाएँ हुआ करती थी खड़ी पैनी चट्टानों के नीचे की तरफ, अब आपको ये देखने को नहीं मिलेंगी। उनको मैं लगातार 4-5 साल से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये सब यादें मैंने एक तरीके से मेमोरीज आप सबके लिए सेव करके रख रही थी। और फरवरी 2020 के तुरंत बाद ही ये वाला रूट भी एक तरीके से बंद हो गया था और लोग आपका टिहरी चंबा वाले रूट से होते हुए ऋषिकेश जाने लग गए थे। ऋषिकेश आप सबकी तरफ से सबसे ज़्यादा जो मुझे मैसेजेस आए थे कमेंट सेक्शन में और जगह भी वो आए थे तोता घाटी के। तो आप सबको यहाँ की लेटेस्ट वीडियो देखनी है तो आज की वीडियो में मैं आपको पौड़ियाला से तोता घाटी और तोता घाटी से ऊपर सगड़ी धार है जो हाईएस्ट पॉइंट, पौड़ियाला से चढ़ाई शुरू होती है ना दोस्तों, तो ये ऊपर जाके जो हाईएस्ट पॉइंट है सगड़ी धार वहाँ पर ख़त्म होती है और वहाँ से फिर ढलान शुरू हो जाती है तीन धारा तक। तो आज की वीडियो में आपको पूरी झलक देखने को मिलेगी, पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। पौड़ियाला से सगड़ी धार के बीच में 12 किलोमीटर की दूरी है और 15 से 20 मिनट का समय लग जाता है पहुंचने में। देखिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जब आप लोग पहाड़ी एरियाज में ट्रैवलिंग करेंगे, ड्राइव करेंगे, तो प्लीज़ 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 दोस्तों प्लीज़ डोंट ड्रिंक। आप लोग हेलमेट वेयर कीजिएगा, सेफ्टी प्रिकॉशन लीजिए, ट्रैफिक के नियम का पालन कीजिएगा, गाड़ी सर्विसिंग करा के ही इस वाले रूट पे ट्रैवल कीजिएगा। आपकी फैमिली आप ड्रिंक करके ड्राइव करने का तो सवाल ही नहीं उठता है। खड़ी पैनी चट्टान वाला एरियाज होते हैं और नीचे आपकी नदी बहती रहती है तो आपका क्या होता है दोस्तों, यही नहीं जो और एरियाज भी हैं जो लैंडस्लाइडिंग जोन है, एक्सीडेंट प्रोन एरियाज हैं, वहाँ पे आप लोग सुरक्षित गाड़ी चलाइएगा और प्लीज़ 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 मोबाइल को तो आप लोग साइड ही रख दीजिएगा ड्राइव करते समय, बहुत ज़्यादा माइंड डाइवर्ट करता है आप लोग। तो दोस्तों अब बात करते हैं रूट की। यह जगह पीरी गढ़वाल में स्थित है, ऋषिकेश से 53 किलोमीटर की दूरी पर आगे की ओर आपको देखने को मिलेगी। 2 घंटे का समय लग जाता है पहुँचने में। बद्रीनाथ केदारनाथ धाम जब आप लोग ट्रैवल करेंगे तो इसी रूट से, इसी रास्ते से होते हुए आप लोग जाएंगे। अब हम बात करते हैं इसके नियर बाई विलेजेस की, तो जहाँ हम लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं इसके ऊपर के साइड कसमान, दबर, चिल्पर, गोरगाँव,
पुरवाला, पुरला, किरोर, चौन, आगे सकलीधार हो गया, टोली हो गया, तीन धारा हो गया। और अगर हम नदी पार वाले विलेजेस की बात करें तो मंजोखी, असनेत, ततरी, खारी, दमोला, डोबरी, मट, गदमोला, कंडी, किंसर, डोबरी, बागी इत्यादि इसके नियर बाय विलेजेस हैं, तो इस वाले रूट पे पड़ते हैं। रास्ते में कार्य तो चल ही रहा है दोस्तों, तो मैं आप लोगों को प्रेफर करूँगा कि आप लोग ट्यूबलेस टायर का यूज़ करें, क्योंकि दूर दूर तक आपके शॉप्स अवेलेबल नहीं है इस वाले रूट पे, जो कि 15 से 20 किलोमीटर का एरिया है। तो अगर आप लोगों की गाड़ी ख़राब होती है या टायर वगैरह पंचर होता है तो आप लोग प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि इसके पीछे के साइड कौड़ियाला में आपको बाजार देखने को मिलेगा, और फिर सीधे आपका सकड़ीधार के आगे बचेली खाल की साइड ही आपको मेरे को लग रहा है शॉप देखने को मिलेंगी। तो ये जो बीच का रास्ता है 12 से 15 किलोमीटर का, यहाँ पे आप लोग खड़े रह सकते हैं। इसलिए आप लोग वेल मेंटेन और एक अच्छी सर्विसिंग व्हीकल के साथ ही ट्रैवल करिएगा इस वाले रूट। आपको टेक्नोलॉजी आ गई है, मशीनें आ गई हैं, एक एक से मशीनें आपको देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से कार्य जल्दी हो जाता है। और हम बात करते हैं जब यहाँ पर रोड नहीं थी, ये वाला जो रूट है खड़ी पैनी चट्टाने हैं जो दोस्तों, तो उस टाइम पर ठेकेदार, लेबर, वर्कर ने यहाँ पर रोड बना दी बिना किसी मशीनों के हेल्प से। तो उनको सल्यूट है उनके हार्ड वर्क को, जिसके वजह से हम अभी यहाँ पे ट्रैवलिंग कर पा रहे हैं इस वाले रूट पे। तोता घाटी के नाम से ये वाली जगह फेमस है। अभी भी जो वर्कर्स, जितने भी वर्किंग पीपल हैं यहाँ पर जो कार्य कर रहे हैं, अभी भी इनको भी मैं सल्यूट करना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत रिस्की एरिया है दोस्तों। और नीचे आप किसी को गंगा नदी देखने को मिलती है, खड़ी पैनी चट्टाने, आप लोग जो यहाँ खड़े होंगे ना, तब आपको देखने को मिलेगा कि मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो इनका जो हार्ड वर्क है, जो सेक्रीफाइस है, जो ये लोग मेहनत करके यहाँ पर काम कर रहे हैं, ये अपने लिए एक मिसाल है। दोस्तों तोता घाटी के पीछे की साइड, जैसे कौड़ियाला हो गया आपका, ब्यासी हो गया, और आगे की साइड आपका तीन धारा देवप्रयाग हो गया, तो लोग क्या करते हैं, लंबी जब ड्राइव करते हैं या ट्रैवलिंग कर रहे हैं, इन जगहों पर रुकते हैं, फूड स्टेशन पर रुकते हैं, आपका लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, जो भी है, जो भी टाइम चल रहा है वो करते हैं, अपनी ड्राइव को, जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। तो क्या होता है कि नींद की झपकियाँ आने लग जाती हैं, तो ये प्रॉब्लम भी बहुत लोगों के साथ हुई है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको अगर लग रहा है कि थोड़ा नींद जैसे आने लग गई है, क्योंकि झपकियाँ आ रही हैं, तो आप लोग ड्राइव मत कीजिए, ट्रैवलिंग मत कीजिएगा, और अकेले मत ट्रैवलिंग करिएगा, करिएगा इस वाले रूट पर। हमेशा अपने साथ किसी न किसी को भी रखिएगा, चाहे आप फोर व्हीलर में कर रहे हो या फिर आप बाइक स्कूटी में कर रहे हो, क्योंकि एक अल्टरनेट ऑप्शन बन जाता है कि चलो मुझे अगर छुट्टियाँ आ रही है तो क्यों कर ले ड्राइव। दोस्तों इस बात का भी आप लोग, ये जो कार्य हो रहा है ये आपका पोर्शन वाइज हो रहा है। जब हम पिछले बार ट्रैवलिंग करी थी तो इस वाले पोर्शन पे टच नहीं किया गया था, इसके नीचे और ऊपर के साइड कार्य हुआ था, पर जब हमने अब ट्रैवलिंग करी, अभी आप जो वीडियो में देख रहे हैं, इस वाले पोर्शन में भी कार्य हुआ है। जब रोड ब्लॉक हुई थी ना कोरोना काल के टाइम पर, तो इसी वाले एरिया की वजह से हुई थी, यहाँ पर पूरा पहाड़ नीचे गिर गया था और रोड टूट गई थी। तो अब तो रोड बना दी है कटिंग करके, कार्य अभी चल ही रहा है, कंटिन्यू है। फोर व्हीलर भी और बड़ी बड़ी बस भी हमसे पास कर रही हैं, तो मुझे मैसेज में ये भी पूछा गया था कि क्या केवल स्कूटी और बाइक के लिए खोला गया है, तो आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि ट्रक बसेस भी इस वाले रूट से चल रही हैं। आप लोग यात्रा के लिए आएंगे चार धाम यात्रा के लिए, बद्रीनाथ, केदारनाथ, तब तक मुझे लग रहा है ये कार्य हो जाएगा इस वाले पोर्शन पे, जहाँ पे ये बचा हुआ है। ऊपर सकड़ीधार से लेके और उधर देवप्रयाग तक तो बढ़िया है, वहाँ से जो मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था, वहाँ पे तो एकदम मार्किंग वगैरह भी कर दी गई है, अच्छी बन गई है। यहाँ पे ये वाला पोर्शन भी जल्द से जल्द मुझे लग रहा है कम्प्लीट हो जाएगा। होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। अब मैं आपको पूरा रूट दिखा रहा हूँ बिना किसी म्यूज़िक के या फिर एडिटिंग के, जैसे मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया सेम आपको वैसी वीडियो दिखा रहा हूँ। सिंपली आप लोगों को बस ये करना है कि आप लोग अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ जब हो तो उनको भी बताइएगा कैसे मैं उत्तराखंड की वीडियोस बनाता हूँ, ताकि उनको भी मेरे चैनल के बारे में पता चल सके और ज़्यादा से ज़्यादा रीच कर सके। वीडियो देखने के लिए, बहुत सारा प्यार सपोर्ट देने के लिए, मेरे साथ देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
दोस्तों मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए, मेरा साथ देने के लिए, वीडियो देखने के लिए, लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए, शेयर करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत।